सो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को जो है इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद आप लोगों को करना है गाइस, आप लोगों को जो है यहाँ से देखिए कि बैकग्राउंड जो है बिल्कुल HD में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग डाउनलोड कर लेना। अब गाइस देखिए, आपको करना है कि आपको जाना ऐड फोटो में, यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को। अब गाइस यहाँ पर जो मॉडल का मैंने बैकग्राउंड पहले से रेज कर रखा है, अगर आपको नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख लेना। एंड फिर उसके बाद आप सभी को जो है मॉडल का साइज कुछ इस टाइप से रख देना है। एंड गाइस आपको जो है यहाँ पे मॉडल जो है ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। मॉडल का हाइट जो है आप सभी को, ये जो लोयन जो है उसकी जो नोज़ है इतनी तक आपको अपनी हाइट रखनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोग करना है क्या, यहाँ पे आपको अपने मॉडल को सिलेक्ट करना है एंड इरेजर टूल में जाना है। एंड यहाँ पे पहले गाइस आपको साइज़ जो है फुल कर देना है एंड ओपेसिटी हार्डनेस कम कर देना है। एंड नीचे से जो है आप सभी को थोड़ी सी और कम कर लेते हैं यहाँ पे। एंड नीचे से जो आप सभी को जिस टाइप से रेज कर देना है, ठीक है। अब देखिए गाइस यहाँ पे इतना जाने के बाद आप लोग को फिर क्या करना है, वहाँ पे डन करना है। एंड यहाँ पे जो इसका एक डुप्लीकेट बना लेना है अपने मॉडल का। एंड जो आपका मॉडल है गाइस, आपको उसको लेके चले जाना है यहाँ से सिंपली इफेक्ट वाले ऑप्शन में। एंड इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप लोग यहाँ पे सिंपली चले जाना है कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद आपको ब्लैक एंड व्हाइट लेना है एंड इसका अमाउंट जो बिल्कुल जीरो करके एंड ऊपर से मर्ज कर देना है। एंड उसके बाद आपको नेगेटिव वाला लेना है, इसको भी मर्ज कर देना है। एंड कलराइज में जाके आप लोग को जो इसका ह्यू जो है चेंज करना है। यहाँ पे इसको आपको जो है येलो या ऑरेंज टोन के बीच में रखना है, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे 56 के वाइस मतलब 49 के आसपास ले जाना आप लोग, ठीक है। वहाँ पे जाके छोड़ देना इसको एंड डन कर देना है। फिर आपको रिजल्ट में जाना है, इसको इन्वर्ट कर देना है एंड जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा सबको रिमूव कर देना है पहले। ओके गाइस, सो उसके बाद आप लोग करना क्या है, यहाँ पे ब्रश लेना है। ब्रश को लेने के बाद जो है साइज अपने अकॉर्डिंग रख लेना है, ओपेसिटी हार्डनेस जो है कम रखना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो अपना हेयर्स के ऊपर आपको इस तरीके से पेंट करना है एंड पीछे अपनी बॉडी के ऊपर भी कर देना है अगर लाइट्स वगैरह नहीं होंगी तो। उसके बाद आप लोगों को करना क्या गाइस, यहाँ पे अब देखिए गाइस यहाँ पे जो आप लोगों को सिंपली नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको हमें ब्लेंडिंग मोड मिलेगा। आपको सिंपली नीचे इसको ब्लेंडिंग मोड जो है इसको रख देना है ऐड पे, ठीक है, ये वाला। अब उसके बाद देखिए गाइस जो भी एक्स्ट्रा पार्ट अगर रह जाता है कुछ तो उसको रिमूव कर देना है, अदरवाइज आप लोगों को जो यहाँ पे फोटो कर देना है डन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम फोटो को डन कर लेते हैं। अब देखिए गाइस इसके बाद आप लोगों को करना है क्या गाइस, आप लोगों को जाना दोबारा ऐड फोटो में एंड ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से ऐड करना है आप सभी को स्पॉट का PNG, ठीक है। ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जब आप बैकग्राउंड को डाउनलोड करने जाओगे तो। आपको जो है गाइस देखिए, हाँ आपका जो हैंड का पोस्चर होगा गाइस आपको उसके हिसाब से रखना है, ठीक है। आप लोग कोशिश करना कि आपका हैंड जो कुछ इस टाइप से हो ताकि जो आपका स्पॉट है इस तरीके से लगे। बट यहाँ पे मॉडल को जो हैंड है कुछ इस टाइप से, तो मैं यहाँ पे जो है स्पॉट को इस तरीके से रखूँगा, ठीक है, जो कि यार एकदम परफेक्ट तरीके से नहीं आ पा रहा है। बट मैं एडजस्टमेंट करके इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। बट आप लोग जो है कोशिश करना कि जैसे मैंने अभी पहले बताया वैसे आपको फोटो क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम इरेजर टूल में जाकर जो है एक्स्ट्रा पार्ट जो भी इनको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से परफेक्ट है यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे इतना जाने के बाद आप लोग को इरेजर टूल में जाना है। यहाँ पे आपको ब्रश लेना है, ब्रश को लेने के बाद साइज ओपेसिटी कम कर देना है एंड इरेजर टूल में जाके इसको इस तरीके से रिमूव करना है, ठीक है, ताकि जो है मतलब इसका भी जो है वो ओपेसिटी इसमें कम रहे, परफेक्ट है यहाँ पे। अब इतना हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको अपनी फोटो यहाँ पे वापस से डन कर देना है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड फोटो में जाएंगे, यहाँ से एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं और जो इसको फुल स्क्रीन करेंगे कुछ स्टेप से रेजर टूल में जाएंगे, इन्वर्ट करेंगे, ब्रश लेंगे, ब्रश के साथ अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर देंगे। और यहाँ पे जो है फिर क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे हमारा मॉडल है गाइस वहाँ वहाँ पे सिर्फ आप लोगों को करना है इस तरीके से पेंट करना है, ताकि जो है वो एरिया डार्क हो जाए थोड़ा सा और जो है थोड़ा रियलिस्टिक सा लुक आए। तो हम इसको डन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, इसको हम सेव कर लेंगे एंड इसको लेके चलेंगे लाइट रूम में, क्योंकि इसे रीटच करके हमें जो और भी ज़्यादा रियलिस्टिक बनाना है। तो इरेजर लाइट रूम में अपने जाने के बाद आपको यहाँ पे चले जाना है पहले लाइट वाला ऑप्शन में। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, हाईलाइट जो है इसको अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर देना है, शेडो को बढ़ा देना है एंड उसके बाद यहाँ से वाइट को कम कर देना है, ब्लैक्स को बढ़ा देना है। फिर उसके बाद आप लोग को चले जाना है कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद आपको हमें पहले वाइब्रेशन बढ़ा देना है, मिक्स टूल में जाना है, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका ल्यूमिनस बढ़ा देना है और फिर येलो कलर लेना है, इसका ह्यू माइनस कर देना है और फिर ब्लू कलर लेके इसका सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर देना है, ठीक है, ताकि ब्लू कलर जो है हमें बिल्कुल चाहिए ही नहीं फोटो में, तो हम इसको जो माइनस कर देंगे यहाँ पे। अब देखिएगा जितना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे जो फोटो को डन कर देना है आप सभी को एंड उसके बाद चले जाना नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज़ कर देनी है एंड फोटो में जो है विग्नेट डाल देना है एंड यहाँ पे जो है फीदर को इंक्रीज़ कर देना है एंड नीचे वाले टूल में जाकर फोटो की शार्पनेस बढ़ा देना है। एंड फाइनली गाइस हमारी जो फोटो है कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।